जिस विश्वास से आपने नगर निगम के चुनाव में भाजपा के महापौर प्रत्याशी उमेश चंद्र गणेश केसरवानी को जिताया है, उस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक बनकर देश की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार महापौर गणेश केसरवानी नगर सेवक के रूप में काम कर प्रयागराज का सर्वांगीण विकास करेंगे। आने वाले 2025 कुंभ के वर्ष में प्रयागराज का नक्शा बिल्कुल बदला हुआ दिखाई देगा और प्रयागराज को रिंग रोड समर्पित होगा। उक्त विचार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को आर्य कन्या इंटर कॉलेज मुट्ठीगंज में समाज सेविका इंदिरा जायसवाल सभागार के लोकार्पण एवं नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारत की शक्ति बढ़ी है और विश्व के बड़े बड़े देश ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति भी भारत के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को द बॉस कहकर सम्मान कर रहे हैं, जो वास्तव में हर एक भारतवासियों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि 28 मई को दुनिया का सबसे सुंदर भारत के लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे, पर विपक्ष को नहीं पच रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम का सहारा लेकर लोकतंत्र के मंदिर का बहिष्कार कर उसका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया था तो यही विपक्ष उनका विरोध करते थे और आज उद्घाटन के नाम पर उनके नाम का सहारा लेकर सिर्फ नाटक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आगामी लोकसभा का चुनाव दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी चाहे जितना नाटक कर ले, पर प्रदेश की जनता आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 80 के 80 सीटों पर कमल खिलाकर नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएगी। सांसदों को वहां बैठने और बैठ करके देश के लिए कानून बनाने और देश की जनता की सेवा करने का वो मंदिर बन रहा है, और इसमें जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको कहूँगा कि अपना विरोध का नाटक बंद करें, बढ़िया आकर के कार्यक्रम का हिस्सा बने, अन्यथा जिस संसद के उद्घाटन सत्र में वो नहीं जाना चाहते हैं, कई जनता उस संसद में ही जाने से उनको न रोकते। सही बात है, नई सरकार यहाँ पर बनी है और नई सरकार कुंभ को लेकर किस तरीके से तैयार करेगी? ये नई सरकार बताएगी, लेकिन कुंभ को लेकर के ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, नगर निगम सरकार, तीनों सरकारें मिलकर के नगर निगम क्षेत्र को इतना भव्य और दिव्य बनाएंगे, कुंभ को इतना पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर प्रचारित प्रसारित करेंगे। जो 24 करोड़ की संख्या है वो 48 करोड़ लोग आवे और प्रयाग उनकी सेवा करे, प्रदेश उनकी सेवा करे, इसके लिए कोई कमी नहीं है। मुर्मू जी को मोहरा बनाया जा रहा है इस मामले में, क्या जिन लोगों ने आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी हैं उनको जब प्रत्याशी बनाया तो उनके लिए कैसे कैसे शब्दों को उन लोगों ने प्रयोग किया था, उनका मैं प्रयोग भी नहीं कर सकता। वो हमारी महामहिम है और राष्ट्रपति जी हैं और लोकसभा अध्यक्ष जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसके उद्घाटन का कार्यक्रम रखा है, सभी भी 25 दलों को आमंत्रित किया है। लेकिन जिनको कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है तो किसी राजनीतिक दल की भाजपा के कार्यालय का उद्घाटन नहीं हो रहा है, नया संसद भवन है, उसमें सबको जाना चाहिए। जो नहीं जा रहे हैं भगवान उनको सदबुद्धि दे, यही प्रार्थना है। धन्यवाद। उन्होंने कॉलेज के विकास को लेकर कहा कि अध्यापक, विद्यालय, परिवार एवं अभिभावक मिलकर विद्यालय और विद्यार्थी का जीवन और समाज का नजरिया बदल सकते हैं। इस अवसर पर महापौर गणेश केसरवानी ने कहा कि प्रयागराज की जनता ने जो विश्वास हमें दिया है उस पर खरा उतरूंगा और प्रयागराज का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने बताया कि आर्य कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक पंकज जायसवाल ने आए अतिथियों का स्वागत किया। प्रधानाचार्य अर्चना पाठक ने धन्यवाद आभार प्रकट किया।